हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू मिनी जी ब्लॉग्स। तो अभी आपने जैसे देखा, गौरव प्लांट्स लगा रहा है। जो हम आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम सीड्स लेके आए थे, तो गौरव उनको लगा रहा है अभी, क्योंकि उनको लगेंगे 15 to 20 or 20-30 days सीडलिंग होने में। तो फिर इसलिए वो एक ये वाला काम कर रहा है, क्योंकि इस बार ही मौसम देखा जाए तो अच्छा है। अप्रैल शुरू होते होते हमें लग रहा है स्नो सारी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर बाय एंड ऑफ अप्रैल हम जो है हमारी सीडलिंग्स को बाहर प्लांट कर देंगे। ये तो रही एक बात, और दूसरी बात, मैं किचन में हूँ ऑलरेडी, देख रहे हैं आप जैसे कि। तो मैं बना रही हूँ हमारे लिए नाश्ता, नाश्ता के ब्रंच ही बन रहा है। और साथ ही कल है करण का बर्थडे, तो करण के बर्थडे के केक की तैयारी करनी है मुझे। स्पॉन्जेस मैंने बना लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस बार मैंने ट्राई किया है चेकर्स केक बनाने का, तो लेट्स सी कैसे पुल ऑफ होता है कि नहीं होता है। ये थोड़ा सा टूट गया था, बट आई थिंक मैं आइसिंग में इसको कवर कर लूँगी तो ये हो जाएगा। तो जब मैं खाना बना रही थी ना, मेरे को करण ने बताया कि दीदी वो ना प्राइम पे आ गई है पठान। तो मैंने पठान नहीं देखी थी, क्योंकि अभी वन छोटा है, ऑफ कोर्स हम जा नहीं सकते थिएटर वगैरह। मैंने फटाफट गौरव को कहा चलो बैठ के देखते हैं पठान, मज़ा आएगा, साथ साथ खाना खाया। ई मेरे दोनों फेवरेट एक्टर्स, ये ना मेरा बेस्ट सीन था पिक्चर का। तो मैंने ना मेरा केक जो है उसको क्रम कोट कर दिया है, मतलब मैं गिनाश से क्रम कोट किया आज, आई विप क्रीम से नहीं किया। और हम आ गए बाहर, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जैकेट डाली हुई है, मुझे गर्मी लग रही है जैकेट डाल के। ये जा रहा है गौरव कुकी को लेके, और ये बैठा युवान मेरे पास स्ट्रोलर में। तो ना घर आने के बाद मैं फाइनल आइसिंग कर रही थी, और ये देखना है मेरे को आइसिंग करने नहीं दे रहा था, मेरे से ना सारी क्रीम मांग रहा था खाने के लिए। इतने मजे से इसने क्रीम खाई है बैठ के। तू मैं सारी क्रीम खा लेता है, मैं तेरे मुंह पे डिजाइन बना दूं थोड़ा सा। हूं क्या तुम्हें, केक कैसे डेकोरेट करूं? वानी जी आपने क्या बनाया है? मैंने आज करण के बर्थडे का केक बनाया, रात को हम ब्रिंग इन करेंगे। सुंदर लग रहा है ना, है ना? थोड़ा सा खराब हो गया, बट फिर भी सुंदर लग रहा है मुझे लगता है, है ना? इसके ऊपर हम लगाएंगे करण के वो स्पार्कल वाली कैंडल्स। मुंह में ढूंढ लूं जरा। आपने करण के केक के ये अंडे क्यों लगाए? क्योंकि वो अंडा है। नहीं, वो डेकोरेशन करी है मैंने। हेलो, हम आ गए हैं नीचे करण का बर्थडे सेलिब्रेट करने, मतलब बर्थडे ब्रिंग इन करने। और ना मैं कैंडल लेके आई थी, वो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसे गर्ल्स नहीं जाती बॉयज के रूम्स में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कर्नन, हैप्पी बर्थडे टू यू। पोपट कर दिया मूड का। दो बर्थडे आज ही 24 और 42 एक बार ही मैं नहीं मनाने भाई। कर दे, अब 12 बज गए उसके बर्थडे को। तू सो कैसे गया? तेरा बर्थडे था तू सो गया? अरे यार मैं मूवी देखते देखते सो गया। और ना गौरव ने बड़ा ही ज़्यादा पोपट किया। 2 तो जल गया, 4 जला ही नहीं। 2 हाफ वे जल गया और फिर भी 4 नहीं जला। पता नहीं क्या कर रहा था कि 4 जल ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। हम वेट ही करी जा रहे थे कि 4 ये ना हो कि 2 पहले अलग जल जाए और 4 फिर अलग जले। खाली शीशे तो मत खाना सी हर बार बड़ी वो उसका नहीं उपकरण की। मैं तो नीचे रखने आई थी और बोलो दोबारा तो करियो मिनी, डाइवर्जेंट आ गया सी। हैप्पी बर्थडे करण। प्रीति केक कैसा बना?
जितनी नींद आई है उससे अच्छा बना कि उससे थोड़ा कम बना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। कल रात करण का बर्थडे ब्रिंग इन करने के बाद हम सब सो गए थे जाके, तो कुछ शूट नहीं किया उसके बाद। बट अब हम उठ गए हैं। तो आज ना हमने करण को कहा था कि उसने कहा था कि हमारे मेरे साथ मेरा बर्थडे है तो गुरुद्वारे चलोगे। तो हमने भी बहुत टाइम से नहीं गए, हमारा भी प्लान बहुत टाइम से डिले हो रहा था। तो आज हम सब मिल के जाने वाले हैं अभी गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे जाने के लिए, क्योंकि बर्थडे भी है और गुरुद्वारे भी जाना है, तो बनाएंगे थोड़ा सा हलवा जो हम लेके जाएंगे, मतलब प्रसाद लेके जाएंगे बना के, और भी मतलब सामान खरीदेंगे स्टोर से जो देंगे वहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। मैं नहीं हलवा बनाऊंगी, हलवा बनाएगा गौरव, क्योंकि वो बहुत टेस्टी हलवा बनाता है। तो वो अब आ रहा है, उठ गया है वो भी, तो वो बनाएगा हलवा और मैं खिलाऊंगी युवान को ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर हमने जाना है। आगे मास्टर शेफ जी, क्या बन रहा है फिर? तो जी हम निकल गए, मतलब हम निकले नहीं, अभी हम बैठ गए कार में आके। 10 बजे का टाइम था, फिर भी 10:30 से पहले आज हम निकल गए, मतलब 10 बजे हमने कहा था हम जाएंगे। स्टिल पंचुअल, इसको हम पंचुअल ही कहते हैं, सही बात है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गौरव, तेरा बर्थडे नहीं है, चल साइड हो। ये देख लो जी, युवानी इसको ना बैठना नहीं है सीट पे, टोपी नहीं डालनी है इसको, गर्मी लग रही है इसको बहुत ज्यादा। ये देख युवानी ने कैप उतार दी। युवानी ये लो। तो जी हम आ गए थे गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए। प्लान ये था कि गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद हम जाएंगे कहीं ब्रंच करने, मतलब ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए। तो बस मत्था टेकेंगे और उसके बाद चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम आ गए थे ब्रंच करने, हमारा प्लान था ब्रंच का, तो हम आए थे ये नई जगह पर ब्रंच करने के लिए। हमने इस जगह के बारे में बहुत सुना था, तो इस बार ही हम फर्स्ट टाइम आए थे। और उन्होंने ना ये बच्चों के लिए वहाँ पर सामान रखा हुआ था, तो इसने कलरिंग के लिए मतलब ऐसे ड्राइंग दी थी कलर करने के लिए, साथ में पज़ल्स दी थी। तो पज़ल्स के लिए तो अभी युवान बहुत छोटा है। तो साथ ही हमारा फूड आ गया था, वी वर वेरी हंग्री क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने खाना खाया हमारा। और उसके बाद फिर एंड में हमने डिज़र्ट मंगाया था करण से कट करवाने के लिए। Happy birthday to you, happy birthday to you। तो गाइस ब्रेकफास्ट करके, मतलब ब्रंच करके आने के बाद ना हम लोग सारे थक से गए थे, तो सब सो गए थे। बट अब हम उठ के तैयार हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरी फुल लुक अभी गौरव दिखाएगा, गौरव भी रेडी हो गया, युवान भी रेडी हो गया। युवान अपने बाल पता नहीं क्यों स्क्रैच कर रहा है। तो अब हम जा रहे हैं सब करण का बर्थडे सर, मैं पता नहीं क्यों सुबह से आज तरुण 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 बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे तरुण क्या बहुत याद आ गया। तो आ आ आ आ लो जी, हम तो हो गए सब रेडी। मेरे बाल खराब करके देखना जरा। तो जी चलो चलते हैं, लेट हो रहा है हमको, हमारा 6:45 का टेबल बुक्ड है। चलो इतना यमी यमी सा फूड आ गया था हमारा। हम लोगों ने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना सिर्फ खाना खाया और बहुत मज़ा भी आया कि मतलब इतने दिनों के बाद सब बाहर गए थे एक साथ मिलके। युवान ने बड़ा इन्जॉय किया, टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने पूरा बर्गर मंगाया था, मैंने पूरा बर्गर खा लिया फ्रेंच फ्राइज के साथ। सबने अपना अपना मील मंगाया, जो जो वो खाया सबने इन्जॉय किया। अल्टीमेट थिंग वॉज कि बर्थडे तो था ही था, बट हमने इन्जॉय भी बहुत किया। तो जब सर्वर आई थी ना एंड में पूछने इफ़ वी हैव एनी प्लान्स, इफ़ यू वांट एनी डिज़र्ट, तो हमने उसको बता दिया कि करण का आज बर्थडे। और वो देखना इतना सुंदर सा ये ऐप से ट्रे सजा के लेके आई थी हैप्पी बर्थडे की। Clapping.
सो फाइनली डिनर डन, बर्थडे सेलिब्रेटेड, हम जा रहे हैं घर, वापस घर जाके देखते क्या करना है. और मैं ना ऐसे स्लोली स्लोली चल रही हूँ अपनी हील्स की वजह से, इतनी ठंडी हवा है, पर फैशन के आगे कोई ठंड नहीं होती. सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा. और अगर पसंद आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है. आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी जी व्लॉग्स. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर.